Assalamualaikum, welcome back to my channel. This is your girl Bria. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके पास हूँ एक another beauty video के लिए. ये उन लड़कियों के लिए खास है जिनकी शादी होने वाली है and also जो summer के लिए ready हो रहे हैं. So let's light up the candle and get right into the video. But if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and leave me a comment down below. And now let's dive into the video. Alright guys, so in today's video, I'm gonna let you guys know what to do if you have dark elbow or dark knees or neck. उसके लिए क्या करना है आपको. उसके लिए व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू टेक 4 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर. ये चावल का आटा है, 4 चम्मच भर के डाल लेंगे. मैं पिक्चर डाल दूंगी जो आटा मैंने यूज किया, इट्स रियली गुड. आप लोगों को पिक्चर यहाँ कहीं मिल जाएगी. आप लोग कोई भी आटा यूज कर लें, बट ये 4 मैंने चम्मच डाले हैं आटे के. ये 4 चुटकी भर के मैंने डाला है हल्दी पाउडर, विच इज टर्मरिक पाउडर. इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है 7 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया जी. बस आपको चीज़ें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. इसको हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है. पेस्ट बना लेने के बाद क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ जी. अच्छा जी, तो चावल का आटा इज़ वेरी गुड. इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को साफ करते हैं, स्किन की वाइटनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो आप एल्बो और नी वगैरह में जहाँ पे भी लगाएंगे, यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स इंशाल्लाह. इट्स चावल का आटा ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, और फिर टर्मेरिक साथ में ऐड हो जाए तो मोर ग्लो आएगी. अच्छा गाइस, सो आई फील लाइक आई नीड लिटिल बिट मोर ऑफ रोज वाटर टू मेक इट अ पेस्ट. तो मैंने थोड़ा सा और रोज वाटर डाल दिया है. यू गाइस कैन डू द सेम थिंग इफ यू फील लाइक 7 स्पून्स वर नॉट इनफ, जस्ट ऐड अ टाइनी बिट मोर टू मेक इट अ पेस्ट, बिकॉज यू डोंट वांट इट टू बी टू ड्राई. ये आपकी स्किन पे जब जाएगा तो ये एज अ लैप जाएगा, जैसे पेस्ट होता है, लेप होता है, उसकी तरह से हम अपनी स्किन पे लगाएंगे. तो ये हो गया, ठीक है जी. ये देखें, ये पेस्ट अच्छे से बन गया है. ये देखें, ये इतना बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है. तो इसको अब आप लोग जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है, नेक पे, नीज पे, एल्बो पे लगा लें. 10 से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें जब तक ये ड्राई होता है. एंड देन इसे लूक वार्म वाटर से धो लीजिएगा. इसे धो लेने के बाद फिर आप लोगों ने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है. डू दिस एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक इफ़ नॉट मोर, एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिज़ल्ट इफ़ यू आर गेटिंग रेडी फॉर समर. और अगर कुछ लड़कियों की शादी होने वाली है और उन्हें अपना थोड़ा सा टेक केयर करनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी इफेक्टिव. Just do this and inshallah you will see the results. All right guys, so this was it for today. I hope you guys enjoyed this little video. If you did, please give it a big thumbs up, like, share and subscribe, and I will see you guys in my next video. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega, dua mein yaad rakhiyega. Take care, Allah Hafiz, fi amanillah. Sorry, this is a shaky video because ye end mein maine record ki thi for you guys. Bye.